क्या आपको पता है हमारा घर ना एक कैनवस आर्ट की तरह है, एक प्लेन ब्लैंक वॉल है और उसको खूब सारे एलिमेंट्स का डेकोरेट किया जा सकता है। वॉलपेपर उसमें एक एलिमेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ वॉलपेपर के फायदे क्या क्या है। सबसे पहले ये आपके घर के अंदर एक एस्थेटिक अपील को सुंदर करता है। कोई घर में कैरेक्टर डालना है, ड्राइंग रूम में कैरेक्टर डालना है, बेडरूम में कैरेक्टर डालना है या कोई ऑल एलिमेंट ऑफ आर्ट फॉर्म डालना है, आप वॉलपेपर के थ्रू डाल सकते हो। दूसरी बात, ये एम्बियंस भी बहुत अच्छा कर देता है। जैसे आपकी कोई प्लेन बोरिंग वॉल है और अपने घर में थोड़ा सा उसके अंदर सुंदरता डालना चाहते हो तो इसकी एम्बियंस बढ़ा सकते हो। तीसरा, ये टेक्सचर पेंट से बहुत अच्छा है। टेक्सचर पेंट में ना प्लेन बेस कलर्स आते हैं और वॉलपेपर के अंदर बहुत सारे टोन्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की जगह पर यूज किया जा सकता है। क्या आपको पता है वॉलपेपर को वॉल के साथ साथ सीलिंग पे भी यूज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कोई पेंटिंग हो उसके ऊपर भी लगा सकते हो और कोई भी एलिमेंट जो खराब दिख रहा है, आपकी वॉल थोड़ी सी खराब है और उतना मे बी डैम्पनेस है या मे बी थोड़ा कहीं पर स्पॉट्स हैं तो उसके ऊपर भी सही तरीके से अगर वॉलपेपर लगाओ तो वो भी छुप जाता है। उसके बाद ये लॉन्जिटिविटी भी ठीक है, इसकी 5 से 7 साल के बीच में ये चल जाता है। आजकल के जो वॉलपेपर्स है ना बहुत अच्छे तरीके के आ रहे हैं, पहले होते थे 2-3 साल में खराब हो जाते थे, चिप हो जाते थे, अब इसकी लॉन्जिटिविटी अच्छी हो गई है, 5-7 साल तो आराम से चल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात, ये ना इजी टू अपग्रेड है। जब भी आप बोर हो जाओ 2 दिन में 3 दिन में 2 साल में 1 साल में 6 महीने में 5 साल में आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। इसी तरीके से वॉलपेपर को यूज करते रहें।